नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। विधायक की बेटी की दून अस्पताल में मौत, उत्तराखंड से बड़ी खबर है। बता दें कि धारचूला विधायक हरीश धामी की बेटी की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि विधायक की बेटी पूजा धामी देहरादून से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। मिली जानकारी के अनुसार उनकी 25 वर्षीय बेटी पूजा की अचानक तबियत खराब होने पर दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिली कि पूजा धामी देहरादून में विधायक हॉस्टल में ठहरी थी। अचानक तबियत खराब होने पर उसे दून हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। विधायक हरीश धामी देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री ले सकते हैं जल्द फैसला, आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी सरकार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कई जनपदों में कर्फ्यू लगाया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब कोई फैसला लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में इसी तरह का इजाफा होता रहा तो केंद्रीय हाईकमान से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे। भांग पिलाकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड फरार। शराब पिलाकर नशे की हालत का लाभ उठाकर रेप के कई मामले आमतौर पर सुनाई देते हैं। रिपोर्ट भी होता है, लेकिन इस केस में भांग पिलाकर रेप करने का मामला सामने आया है। इसमें लड़के के साथ ही एक लड़की भी आरोपी है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जबकि लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मुनिकीरेती थाना क्षेत्र का है। वॉल पेंटिंग करने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में मूल रूप से दिल्ली निवासी 21 साल की युवती ने मुनिकीरेती पुलिस को तहरीर दी। युवती ने बताया कि वॉल पेंटिंग का काम करती है। पिछले कुछ समय से वह उमंग गांधी नाम के युवक को जानती है। 25 अप्रैल को उमंग ने वॉल पेंटिंग के लिए तपोवन स्थित अपने कमरे पर बुलाया। जब वह कमरे पर पहुंची तो उमंग अपनी एक महिला मित्र एवन के साथ था। युवती का आरोप है कि उमंग गांधी और उसकी गर्लफ्रेंड ने भांग का नशा कराया, जिससे वह उसी कमरे में बेहोश हो गई। रात में उमंग ने उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवती के तहरीर पर आरोपित उमंग गांधी और गर्लफ्रेंड एवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती आर के सकलानी ने बताया कि इस मामले में आरोपी उमंग गांधी को उसके घर देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी की गर्लफ्रेंड की तलाश की जा रही है। बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन के 25 साल के बेटे को लगी वैक्सीन, उठे कई सवाल। प्रदेश के युवा जहां अभी वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं, वही खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के 25 साल के बेटे को पहले कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे का नाम दिव्य प्रताप है, जो कि नेशनल शूटर भी है। उनकी उम्र अभी 25 साल है। राज्य का स्वास्थ्य महकमा यह कह रहा है कि अभी 18 साल से ऊपर के और 45 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में विधायक के बेटे को वैक्सीन पहले कैसे लग गई, यह बड़ा सवाल है। धारचूला एमएलए हरीश धामी की बेटी का दून अस्पताल में निधन, सीएम ने जताया शोक। धारचूला विधायक हरीश धामी की बेटी का दून अस्पताल में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने धामी की बेटी पूजा के निधन पर शोक जताया है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ मिनी स्टेडियम का कोविड अस्पताल शुरू। आखिरकार आधी अधूरी तैयारियों के साथ एक हफ्ते देरी से हल्द्वानी का कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। फिलहाल इस अस्पताल में 200 बेड की जगह 90 पर ही मरीजों का इलाज होगा। डिलीवरी के लिए तड़पती रही गर्भवती, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अस्पतालों ने लगवाए 5 चक्कर। श्रीनगर के बेस और संयुक्त चिकित्सालय ने आज बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। दर्द से तड़पती गर्भवती से भी ये अस्पताल कोरोना की पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट ही मांगने में रह गए। महिला को अस्पतालों के 5 चक्कर लगाने पड़े। डीजीपी ने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत अन्य जिलों में 10 मई की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाया है। साथ ही कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद डीजीपी ने भी 4 दिनों के लिए बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसएसपी के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने गणेश जोशी पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि गणेश जोशी को चंपावत, पिथौरागढ़ का हवाई दौरा करने के बजाय अपने जिले को देखना चाहिए। एक तरफ कोरोना मरीज अव्यवस्थाओं के चलते अपने जवान गंवा रहे हैं, दूसरी ओर गणेश जोशी चंपावत और पिथौरागढ़ का हवाई दौरा कर रहे हैं। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोविड सेंटर में भर्ती 9 मरीजों की मौत। जिले के नरेंद्र नगर श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में बीते 24 घंटे के भीतर 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सीएमओ कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे, स्वास्थ्य विभाग फेल नजर आ रहा है। मित्र पुलिस हर जगह मदद को तैयार, लेबर नहीं मिले तो ट्रक से उतारे ऑक्सीजन सिलेंडर। पुलिस वाले कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका से मुस्तैदी में जमे हैं।
अपनी ड्यूटी के साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक से उतारने और चढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। देहरादून में ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप खाकी पर गर्व करेंगे। ऑनलाइन राशन कार्ड सुधारीकरण के लिए वीडियो को दिया गया प्रशिक्षण। सोमेश्वर तहसील में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें राशन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया में व्याप्त कमियों को सुधारने के उद्देश्य से जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारियों को संशोधन के तरीके बताए गए। 15,000 में बेच रहे थे 1,000 का फ्लू मीटर, दो गिरफ्तार। एक तरफ कोरोना लोगों की सांसें छीन रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलाली का धंधा करने वाले अपनी दलाली में मस्त हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा ही संकट उनके परिवार पर भी आ सकता है। उनको केवल मोटे मुनाफे से मतलब है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए पुलिस ने नंबर तो जारी किया ही है, साथ ही इंटेलिजेंस के तरीकों को भी अपना रही है। राजधानी देहरादून में पुलिस लगातार कालाबाजारी करने वालों और सांसों की दलाली करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। पटेल नगर पुलिस ने दो लोगों को फ्लो मीटर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। आलम यह है कि 1,000 का फ्लो मीटर 15,000 रुपए में बेच रहे थे। आरोपी के पास से 6 फ्लो मीटर बरामद हुए। थाना प्रभारी पटेल नगर प्रतीप राणा ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों बिना वर्दी के मेडिकल स्टोर, अस्पताल और अन्य जगहों पर खड़ा किया गया है। ये टीम लगातार इस तरह की सूचनाओं की जाँच में जुटी हुई है। रुड़की पुलिस के दुकानदारों और बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई, मुकदमा दर्ज, काटे चाला। रुड़की में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस ने अब सड़कों पर बिना किसी कारण घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस बल अब सख्ती से साथ सड़कों पर उतर आई है। बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस कर्फ्यू में सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रही है और बिना किसी कारण के सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस चालान काटकर कार्रवाई कर रही है। आज सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पूरे बाजार में घूमकर ऐसे ही लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और चेतावनी दी है कि अगर वो दोबारा बिना किसी कारण सड़कों पर मिले तो उससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग से बड़ी खबर, अब तक 1,556 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में, 10 की मौत। आज गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोविड कर्फ्यू के दौरान पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि 113077 चालान मास्क न पहनने पर चालान किया गया। 24 मार्च के बाद 3 करोड़ से ज्यादा उत्तराखंड पुलिस ने वसूला शुल्क और 25 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। डीजीपी ने जानकारी दी कि 1,556 पुलिसकर्मी अभी तक पॉजिटिव हैं, जिनमें 6 पुलिसकर्मी अस्पताल में एडमिट है, वहीं अब तक कुल 10 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हुई है। डीजीपी ने बताया कि मिशन हौसला के नाम से जाने जाने वाले पुलिस के सभी प्रयास जाने जाएंगे, जिसका उद्देश्य लोगों की सहायता करना होगा। डीजीपी ने जानकारी दी कि थाना प्रभारी नोडल होंगे, मदद करने वाले लोगों और जिनको मदद की जरूरत है उन्हें समन्वय बिठाया जाएगा। वहीं डीजीपी ने जानकारी दी कि कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वालों पर NSA लगाने पर विचार किया जाएगा। कालाबाजारी के लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। सभी डिग्री कॉलेजों में 20 जून तक की छुट्टी, आदेश जारी। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 7 मई से 12 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पर्वतीय व मैदानी सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण कॉलेज और स्कूल पहले से ही बंद है। पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था कि जिसमें कॉलेजों को बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ने डिग्री कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। अब कोई नहीं वसूल सकेगा सब्जियों के ज्यादा दाम, रेट लिस्ट जारी। कोरोना काल में ऑक्सीमीटर समेत रेमडेसिविर और दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के कई मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इस बीच लोगों को सब्जियों और फल भी महंगे दामों पर दिए जा रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। विक्रेताओं का कहना है कि कर्फ्यू के कारण फल और सब्जियां नहीं आ पा रही है तो उनको महंगे दामों पर मिल रही है। लोगों की शिकायत पर हल्द्वानी में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी ने सब्जियों के रेट लिस्ट जारी किए हैं, जिसके बाद विक्रेता लोगों से ओवर रेट में सब्जियां नहीं बेच पाएंगे। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। बता दें कि यह हाल सिर्फ हल्द्वानी का ही नहीं बल्कि देहरादून समेत कई जिलों का है, जहां विक्रेता जनता से कर्फ्यू के नाम पर सब्जियों और फलों के अधिक दाम वसूल रहे हैं। मजबूरी में लोगों को महंगे दामों पर सब्जियां, फल खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में हर जिला प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए। दोबारा कोरोना की चपेट में आने से बीजेपी विधायक का निधन, खोया चौथा नेता। भाजपा के लिए बुरी खबर है। जी हां, बता दें कि दोबारा कोरोना की चपेट में आने से बीजेपी विधायक का निधन,
खबर यूपी से है, जहां बीजेपी विधायक एक बार कोरोना को मात देकर वापस लौट गए थे, लेकिन फिर वह कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। इससे भाजपा में शोक की लहर है। सीएम योगी ने विधायक के निधन पर शोक जताया है। साइबर ठगी का शिकार हुआ आरपीएफ का कांस्टेबल, खाते से उड़े पैसे। रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल का एक सिपाही के साथ ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने उससे बैंक खाते में सेंधमारी कर 1,15,400 रुपए उड़ा लिए। इसके बाद सिपाही द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।